हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू वाचिंग द बोर्ड ऑफ फ्यूजन। सो मैं हूँ मोनामयी बसुमतारी और आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में। एक्चुअली कोई कोई बोल रहा है कि मैं अपनी लैंग्वेज में क्यों बात नहीं करती, तो फैक्ट ये है कि मेरी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो मेरी वीडियोज़ नहीं पहुँचेगी और कोई भी नहीं समझेगा। तो मैंने मेरी कम्युनिटी के लोगों ने कुछ कहा है कि तुम तो बोरो हो, तुम बोरो हो के बोरो क्यों बात नहीं करते हो। मैं बात करती हूँ, मैं बहुत फ्लुएंटली स्पीक कर सकती हूँ, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, जैसे कि मेरे वीडियोस अगर कोई अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा और ज़्यादा रीच नहीं होगा, इसी वजह से मैं बोरो में बात नहीं करती हूँ। मेरे आगे की वीडियोज़ में मैंने बोरो में बात की थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं हिंदी में ही बात करूँगी। सो इन दो दिनों में सोशल मीडिया पर और फिर फेसबुक में या फिर यूट्यूब पर प्रणीता सरगरी और प्रणीता सरगरी की मदर को लेकर बहुत सारी वीडियोस बन चुकी है और मैंने भी वीडियोस डाली है, आप सब लोगों ने देख लिए है वीडियोस ऑलरेडी और वीडियो बहुत वायरल भी हुई है। प्रणीता सरगरी की मदर क्यों मरी, किस लिए मरी, क्या कारण था, क्यों ऐसे होकर मरी, तो ये सब चीज़ें बहुत मतलब अभी तक ये चल रहा है। और आज एक्चुअली मैं इसके बारे में बात करने नहीं आई हूँ, मैं अभी जो वीडियो बनाने वाली हूँ इसके बारे में मैं एकदम डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन ये बात ज़रूर कहूँगी कि प्रणीता सरगरी की माँ को इंसाफ ज़रूर मिले और उनकी आत्मा को शांति ज़रूर मिले, ओम शांति, शांति ज़रूर मिले, और जो दोषी है, जो कल्प्रिट है, उन्हें ज़रूर सज़ा मिले। सो अपने कमेंट्स आप दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए कि है कि नहीं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक्चुअली आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो मैं प्रणीता सरगरी के बारे में और उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करने आई हूँ। सो ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, जो जितनी मुझे जानकारी मिली है, जितनी मैं जानती हूँ, मैं उतनी आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। बड़ा चरा के मुझे बोलना नहीं आता, जो है वही मैं बोलूँगी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रणीता सरगरी ऑलरेडी रह चुकी है DID 5 Season 5 की विनर और उन्हें मिली थी सुनहरी तकदीर की ट्रॉफी फ्रॉम द ग्रेट मिथुन चक्रवर्ती। सो उनके बारे में पहले चलिए चलते हैं और बात करते हैं। सो प्रणीता सरगरी एक्चुअली शी बिलोंग्स फ्रॉम असम। सो वो असम से बिलोंग करते हैं और बक्सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। बक्सा डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली असम में ही पड़ता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो बोरो कम्युनिटी के लोगों के लिए एक BTAD एरिया बनी है, सो काउंसिल बनी है, तो उसके अंदर में वो एरिया पड़ता है बक्सा डिस्ट्रिक्ट। सो अभी फ़िलहाल वो BTAD एरिया अभी बदल के अभी BTR हो चुका है। सो उसी के अंदर में वो जिला पड़ता है जो है बक्सा। प्रणीता सरगरी असम की एक ट्राइबल जो कम्युनिटी है, बोरो कम्युनिटी जिसे बोरोस भी कहते, उससे बिलोंग करती है, जो मे भी बिलोंग करती है उसी सेम ट्राइब से। प्रणीता सरगरी का जन्म 23 जून 1996 को बक्सा डिस्ट्रिक्ट पर हुई थी। उसने अपनी स्कूलिंग ख़त्म की थी फ्रॉम नाम वैली, परमानेंटली दिल्ली शिफ्ट हो गई क्योंकि उनके जो पिता है, उनके जो फादर है, वो काम करते थे दिल्ली पुलिस में। सरगरी की पापा का नाम है तर्पण सरगरी, मम्मी का नाम थी मोनिका सरगरी और उनकी छोटी बहन का नाम है प्रीति सरगरी। प्रणीता सरगरी क्लासिकल डांस फॉर्म और हिप हॉप डांस फॉर्म में ट्रेंड है DID के मंच पर जाने से पहले, और DID में जाने से पहले उन्होंने फ्रीलांसर के तौर पर एक पॉपुलर परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर पर काम करी थी। DID पर सुनहरी तकदीर की टोपी पाने के बाद और DID सीजन 5 के विनर होने के बाद उन्होंने और भी पॉपुलर डांस रियलिटी शोज जैसे कि इंडियाज गॉट टैलेंट और डांस चैम्पियंस पर कम्पीट की थी। अब चलिए चल के जानते हैं प्रणीता सरगरी के फादर के बारे में। प्रणीता के फादर का नाम है तर्पण सरगरी और उनके मदर का नाम था मोनिका सरगरी और उनकी एक बहन है जिनकी नाम है प्रीति सरगरी। देखिए आप सब लोग जानते हैं प्रणीता सरगरी और उन लोगों की फैमिली रहते हैं असम के बक्सा ज़िले में। सो बाद में उनके फादर के वजह से परमानेंटली उन्हें दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि उनके फादर दिल्ली पुलिस के स्पेशल यूनिट फॉर नॉर्थ ईस्ट पीपल के लिए वहाँ पे काम करते थे। सो इसी वजह से उन्हें दिल्ली में रहना पड़ा।
सो प्रणीता स्वर्गेरी की फादर के बारे में जो है तर्पण स्वर्गेरी, उनके बारे में मैं इतना ही बोल पाऊंगी कि वो दिल्ली पुलिस में एक स्पेशल यूनिट फॉर नॉर्थ पीपल के लिए वहाँ पे तैनात थे, काम करते थे। और उनकी एक छोटी बेटी भी है जो कि प्रणीता स्वर्गेरी की बहन है छोटी, सो उसकी नाम प्रीति स्वर्गेरी है। और उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती, सो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। सो आगे आप सब लोगों को पता है क्या मामला चल रहा है और क्या हुआ है, क्या हुआ था और क्या हो रहा है। सो आई होप एंड आई प्रे टू गॉड कि प्रणीता स्वर्गेरी की मदर को, मोनिका स्वर्गेरी जी को जो स्वर्गवास हो चुके, उन्हें न्याय मिले और जल्दी से जल्दी जो गुनहगार है उनको सज़ा मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, ताकि आगे आप सब लोगों को मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ में लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा और फिर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।